इस बुक ने मुझे हंसाया, थोड़ा सैड फील कराया, बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई और बहुत सरप्राइज किया। इस वीडियो में मैं आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयोगी का एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और साथ में कुछ मॉडर्न साइंस भी बताऊंगा जो हो सकता है इस बुक में बताए गए मिरेकल्स को सपोर्ट करे। तो पहले इस बुक की सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं, ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। स्टीव जॉब्स ने अपने मेमोरियल पे ये बुक सबको गिफ्ट करी थी, विराट कोहली की ये फेवरेट बुक है। उसके बाद रजनीकांत ने भी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बुक ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस बुक ने सेलेब कल्चर में कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है और आप इससे समझ सकते हो कि ये बुक क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है आज के टाइम पे। इस बुक में योगी परमहंसा अपने साथ साथ अपने गुरु युक्तेश्वर, उनके गुरु लहरी महस्या और उनसे भी बड़ी मिस्ट्री फिगर बाबा जी के बारे में बताते हैं। इस बुक में वो अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं कि कैसे बचपन से उन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आया और कैसे वो अलग अलग योगी से मिलकर बड़े हुए। उन्हें बचपन में ही पता चल गया था कि उनका मास्टर कौन होगा, पर फिर भी वो अलग अलग योगी से मिले, उनसे उन्होंने नई नई चीजें सीखी। और सबसे हैरान की बात है कि जो उन योगी के मिरेकल्स थे, वो कुछ ऐसे योगी से मिले जो हवा में उड़ सकते थे, कुछ ऐसे योगी से मिले जो बिना खाए रह सकते थे, कुछ ऐसे योगी से मिले जो शेर से लड़ सकते थे। इन योगी के मिरेकल्स आज की मॉडर्न साइंस में फिट नहीं होते, पर फिर भी मैं मॉडर्न साइंस के थ्रू इन मिरेकल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वीडियो में। इस बुक में इन मिरेकल्स के अलावा और बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी हैं, जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट लेसन था कि 100 लोगों से जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की लड़ाई से जीतना, क्योंकि अब जब 100 लोगों से जीत जाते हो तो आपके अंदर ईगो आ जाती है, पर जब आप अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर के सेल्फ डाउट्स, अपने अंदर के फियर से जीतते हो तो आप एकदम ग्राउंडेड हो जाते हो और आप कंप्लीटली फ्री फील करते हो। ऐसे इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, वो थी एक मुस्लिम डिवोटी की, जिन्हें योगी क्रिया योगा के थ्रू एक स्पेशल पावर देते हैं, एक जीनी देते हैं जिसका नाम होता है हजरत, जो हमेशा उस मुस्लिम डिवोटी के साथ होता है। वो स्पिरिचुअल जीनी होता है, कोई उसे देख नहीं सकता, पर जब भी वो हजरत से कुछ भी मांगते हैं, हजरत उन्हें लाकर दे देता है। और योगी ने उस डिवोटी को बोला होता है कि हजरत को कभी भी सेल्फिश रीजंस के लिए यूज मत करना, और वो डिवोटी यही करता है। वो हजरत को शो ऑफ के लिए यूज़ करता है कि कैसे मैं हवा में से कुछ भी मंगा सकता हूँ, और फिर उन चीज़ों से पैसे कमाता है। इस स्टोरी से मैं अपनी लाइफ को भी रिलेट कर पाया, क्योंकि हम सबके पास कहीं ना कहीं वो हजरत जैसा एक जीनी होता है, और वो हजरत होते हैं हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स। हम उन टैलेंट्स को या तो यूज़ कर सकते हैं लोगों को हेल्प करने में, या यूज़ कर सकते हैं शो ऑफ करने में। हमारे टैलेंट्स हमें दुनिया में सब कुछ दे सकते हैं, अगर हम सिर्फ उन पर विश्वास दिखाएं और उनको अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मेरे अंदर लिखने का और बोलने का स्किल है, अब चाहे तो मैं उस बोलने के स्किल को गॉसिप करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ और उस लिखने के स्किल को नेगेटिविटी फैलाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं उन स्किल्स को यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव नॉलेज स्प्रेड करने के लिए। तो ऐसे ही हम सबके पास चॉइस होती है कि हम अपने अंदर के हजरत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस दुनिया को बेटर बनाने में, और हमें वो करने पर सब कुछ मिलेगा। और इस बुक में जो सबसे मिस्टिकल फिगर है वो है बाबा जी, जो कि सुप्रीम योगी की तरह देखे जाते हैं, और कहते हैं कि बाबा जी आज भी जिंदा है। ही इज अ 2000 ईयर ओल्ड मैन, जो आज भी 35 ईयर्स का लगता है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसको ना हम प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव कर सकते हैं। एक्चुअल साइंस के हिसाब से आर बॉडी इज जस्ट मेंट टू लिव फॉर 190 ईयर्स मैक्स। हम स्लो पॉइजनिंग की वजह से जल्दी मर जाते हैं। अब आते हैं इस बुक के मिरेकल्स पे। तो जैसे सबसे पहला मिरेकल जो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, जो हम बचपन में रामायण महाभारत में देखते थे और उन मिरेकल्स पे हंसते थे, वो मिरेकल था कि कैसे योगी अपने आप को एक लाइट बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सुपर स्पीड पे, और फिर दूसरी जगह आकर प्रकट हो सकते हैं। और ये चीज परमहंसा ने एक्चुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी। उनके जो मास्टर युक्तेश्वर थे, वो एक टाइम पे दो जगह हो सकते थे। किस वजह से? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए थे, और वो अपनी बॉडी को एनर्जी सोर्स बनाकर एक जगह से दूसरी जगह लाइट स्पीड पर जा सकते थे, और लाइट की स्पीड है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? इसको साइंस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी और मास कन्वर्टेबल है, कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने किया भी है। हमने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसमें हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर बना दी। तो क्या हम मेडिटेशन करके, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके अपनी पूरी बॉडी पे इतना कंट्रोल पा सकते हैं कि हम अपनी पूरी बॉडी को एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं लाइट स्पीड पे? वेल, अगेन ये क्वेश्चन बहुत डिबेटेबल है। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है, पर स्पिरिचुअल साइंस
में ये चीज़ हम तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम खुद उस लेवल पे पहुंच पाए या किसी ऐसे योगी से मिल पाए जिसे हम देख सके ये चीज़ करते हुए। ऐसे ही दूसरा सरप्राइजिंग मिरेकल जो इस बुक में था वो था कैसे कोई भी योगी हवा में से कुछ भी बना सकता था। जैसे कि एक योगी गैदरिंग में जब खाना नहीं था तो योगी ने तुरंत खाना मंगाया तो हवा में से खाना अचानक से आ गया। वो कैसे हुआ योगी एक्सप्लेन भी करते हैं कि जब वो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं तो वर्ल्ड के पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकते हैं। एक्चुअली हम लोग बेसिक मॉलिक्यूल से बने हैं, जो मॉलिक्यूल मेरे अंदर है वही मॉलिक्यूल टेबल में है, चेयर में है, तो उन मॉलिक्यूल्स को अगर रीअरेंज करा जाए तो हम उन मॉलिक्यूल से कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो साइंस के हिसाब से 3D प्रिंटर्स जैसे हैं। 3D प्रिंटर्स में हम कुछ भी मेल्ट करते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके एक ऑब्जेक्ट बनाकर हमें देते हैं। और साइंस की एक ये बहुत बड़ी ड्रीम भी है कि वो नैनो प्रिंटर्स बनाना चाहते हैं जो कि हवा के नैनो पार्टिकल्स को किसी भी मटेरियल में कन्वर्ट कर पाए। बट अगेन साइंस की ये एक ड्रीम है, इसको हम अभी तक फिजिकली अचीव नहीं कर पाए हैं। इस बुक में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है, वो है एस्ट्रल सोलर सिस्टम, कि जब हमारी स्पिरिट हमारी बॉडी से निकल जाती है वो एक नए प्लेन पे चली जाती है जहाँ पे एस्ट्रल प्लैनेट्स है, एस्ट्रल सोलर सिस्टम है, वो भी अपने में एक पूरा यूनिवर्स है जहाँ पे स्पिरिट्स रहती है। अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी साइंस के थ्रू प्रूव नहीं कर सकता, बट अगेन साइंस इस चीज़ को डिसप्रूव नहीं कर सकती, बट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता है, तो अगर हमारे अंदर स्पिरिट जैसी कोई एनर्जी है वो हमारे मरने के बाद कहाँ जाती है, उसका क्या होता है। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक जिसने मेरे को माइंड की कुछ पावर्स बताई जो कि हो सकता है पॉसिबल हो क्योंकि परमहंसा जी ने वो खुद एक्सपीरियंस करी है। और अगर आज आप साइंस में माइंड की रिसर्च देखें तो हम अपनी रिसर्च में अभी बहुत पीछे हैं, माइंड का 5% भी नहीं जानते कि माइंड कैसे काम करता है। आज हम माइंड में सिर्फ ये मेजर कर पाते हैं कि सोते टाइम माइंड कैसे काम करता है, भागते टाइम माइंड कैसे काम करता है, हमें ये तक नहीं पता कि हमारे अंदर अमेजमेंट और ऑ जैसी फीलिंग्स और यू नो एनवी जेलसी ऐसी फीलिंग्स कैसे आती है। कैसे कोई एक इंसान अगर सैड होता है उसकी वजह से आसपास के लोग उसे फील कर पाते हैं कि ये बंदा सैड है। सो इट्स एंटायरली अप टू यू गाइज कि अगर आप बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो फिर हाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो बुक में बताई है। पर अगर आप वहीं पे अपने अंदर एक छोटे से मिस्ट्री के एलिमेंट को जिंदा रखेंगे तो क्या हो सकता है हमारा माइंड ये सब चीज़ें कंट्रोल कर पाए। एंड आई थिंक मैं उस मिस्ट्री के एलिमेंट को अपने अंदर जिंदा रखना चाहूंगा रादर देन बीइंग कम्प्लीटली लॉजिकल एंड साइंटिफिक अबाउट इट। सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर माई स्पिरिचुअल साइड मोर आफ्टर रीडिंग दिस बुक एंड ऑल द लाइफ लेसन विच आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज अ कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस बुक एंड मैं इसी टाइप के और रिव्यूज बनाऊंगा अनस्क्रिप्टेड अनएडिटेड। सो लेट मी नो कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा एंड आई होप यू गाइज गिव दिस बुक अ ट्राई एंड रीड इट विद एन ओपन माइंड एंड लीव दैट लिटिल मिस्ट्री इन योर माइंड कि मे बी इट्स पॉसिबल बिकॉज दोज मिस्ट्रीज कीप अस अलाइव एंड दोज मिस्ट्रीज मेक्स द लाइफ मोर एक्साइटिंग। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी रीडिंग।